हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी आम की लस्सी, और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है एकदम। तो इसके लिए मैंने एक पका बड़ा आम लिया था, उसको मैंने काट लिया है अच्छे से। अब इसको हम अपने ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। ये घर की जमी हुई दही है, और अगर आप मार्केट की यूज़ कर रहे हैं वो बहुत गाढ़ी हो तो थोड़ा सा आप उसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये घर की है तो इसीलिए मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। 1/4 स्पून इलायची पाउडर ले लेंगे हम, और 3 चम्मच चीनी ले लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स लेंगे, 3 से 4। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और गर्मियों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से कि ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ, ये कितनी अच्छी क्रीमी बनी हमारी लस्सी। जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर आप मार्केट की दही ले रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर लें। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही जल्दी बनने वाली लस्सी बनके तैयार है। अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। तो थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ते के साथ हम इसको गार्निश करेंगे, और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, लाइट होता है ये लस्सी। तो गर्मी में अगर आप धूप में जा रहे हैं तो इसको पी के निकलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पेट को ये बहुत ही हल्का अच्छा रखता है, बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस लस्सी को इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूला करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, बाय।